पर मोदी बाप बन के बैठे हुए हैं। मतलब लॉन्गर पर्सपेक्टिव में अगर देखा जाए तो ये इंडिया की जीत और इंडिया में गवर्नमेंट पीएम मोदी की। तो हरियाणा में हैट्रिक लगाने और जम्मू में शानदार प्रदर्शन करने के बाद आज पीएम मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। हरियाणा के लोगों ने फिर कमाल कर दिया है और कमल कमल कर दिया है। आज भी किसी की औकात नहीं उन्हें हिला के रख, इलाका थोड़ा सा भी हिलाते, पहली बात। दूसरी, किसी की औकात नहीं है। और साफ कहा कि ये बीजेपी की जीत नहीं बल्कि ये जनता की जीत है, बीजेपी की विचारधारा की जीत। गीता की धरती पर सत्य की जीत हुई है। हरियाणा के अंदर ये समझा जा रहा था कि शायद जो है वो बीजेपी हारेगी और कांग्रेस जीतेगी, लेकिन बीजेपी कहा जा रहा है कि तीसरी दफा फिर जो है वो जीत गई है। और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बैठी हुई है और हरियाणा के अंदर जो धुनाई करी है अपोजिशन की, वो तो आपको हमने बता ही दिया है और पूरी दुनिया ने देखा है। जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस और उनके गठबंधन को ज्यादा सीटें दी है, मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं। और वो सच के साथ चल रहे हैं, अगर कोई जीता है तो उसे अप्रिशिएट किया है मोदी साहब ने। भाई मोदी जी सर मत्थे रखते हैं संविधान को, तो संविधान के अंडर बैरिकेड जो भी निर्णय होता है वो जरूर लेते हैं। लग ये रहा है कि हरियाणा के अंदर अगर आप देखें तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। अगर आप हरियाणा में जाएं वहां पे देखें तो जो बीजेपी ने अपना जो नॉन जाट वोट था उसको कंसोलिडेट करके रखा, फिर अर्बन वोटर की तरफ देखा, हरिवाल हैं, बैकवर्ड कास्ट कम्युनिटीज हैं, ठीक है जी, लेकिन जो कांग्रेस थी वो ज्यादातर जाट सपोर्ट की तरफ देखती थी। और बीजेपी जो है उसने अपना एक जिसे कहते हैं ना एक यूनिफाइड लीडरशिप रही, सैनी साहब जो है वो देखते रहे, और फिर दूसरा ये है कि उनका वोट शेयर फिर बढ़ गया। गवर्नेंस का जो ट्रैक रिकॉर्ड देखें या जो अलायंसेस है, जो थर्ड टाइम कंसेक्यूटिवली आना बड़ी बात होती है यार, कोई मजाक थोड़ी है। आप लोगों ने ये देखना है कि थर्ड टाइम वो जीते हैं, थर्ड टाइम किसी भी असेंबली में जीतना, बार बार जीतना बड़ी बात होती है। कोई मैं तो इसको जाती तौर पर समझ नहीं, उनकी जीत है वो समहाउ नरेंद्र मोदी का जो नैरेटिव है इट इज इनसाइड द सिस्टम, उसका नैरेटिव चलता है भाई, लोग मानते हैं मोदी के नैरेटिव को, आप किसी को अच्छा लगे किसी को बुरा लगे, इंडिया के अंदर या ग्लोबली, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है वो उसको दुनिया जो है दे लाइक इट फॉर दिस थिंग, वो उसको पसंद किया जाता है कि यार ये बंदा जो है वो इंडिया के लिए बहुत कुछ कर सकता है। लग ये रहा है कि हरियाणा के अंदर अगर आप देखें तो मोदी साहब की जो पॉपुलैरिटी है वो छत पे लगी हुई है। और ये भी मेरा ख्याल है सिंस पार्टीशन, मैं पढ़ रहा था कि सिंस पार्टीशन दिस इज द फर्स्ट टाइम कि कोई भी हुकूमत जो है वह कोई भी पार्टी जो है वह तीसरी दफा हुकूमत बना सकी है। तो इसको भी आप अंदाजा लगा लें इस चीज से कि कितना ज्यादा उनका असर हुआ है कि थर्ड टाइम मरकज में भी थर्ड टाइम उन्होंने हुकूमत बनाई है, हरियाणा के अंदर भी थर्ड टाइम हुकूमत बनाई है, इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा। मुल्कों के अंदर स्टेट्स के अंदर इनकम्बेंसी फैक्टर खत्म होता है कि एक बंदा है उसने रूल किया है, उन्होंने डिलीवर नहीं कर सके तो उसको उन्होंने कहा यार ठीक है मतलब बस करो, लेकिन इनका इनकम्बेंसी फैक्टर नहीं खत्म हो रहा मोदी साहब का, ये जारी बात है। बल्कि मैं देख रहा था आज सुबह इंडियन मीडिया के ऊपर वो कह रहे थे, वो उनका दिल कह रहा था कि किसी तरीके जो है सुबह ऐसे लग रहा था कि हरियाणा जो है वो कांग्रेस के पास जा रहा है। बहुत सारे जो जो कांग्रेस लीडरशिप है वो ये कह रही थी कि जनाब हरियाणा जो है वो कांग्रेस के पास जा रहा है, कांग्रेस हुकूमत बनाएगी, ये करेगी वो करेगी, फलां होगा डमकान होगा, लेकिन वो सारा फिर बाद में सारी बात है, उन्होंने कांग्रेस इलेक्शन कमीशन के ऊपर बात करना शुरू कर दी कि इलेक्शन रिजल्ट स्लो आए एंड ऑल दिस, सो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। वहां पर मोदी बाप बन के बैठे हुए हैं, आज भी किसी की औकात नहीं उन्हें हिला के रख, इलाका थोड़ा सा भी हिलाते, पहली बात। दूसरी, किसी की औकात नहीं है और बीजेपी ऑल ओवर इंडिया बैठी हुई है और हरियाणा के अंदर जो धुनाई करी है अपोजिशन की, वो तो आपको हमने बता ही दिया है और पूरी दुनिया ने देखा है, यहां तक कि अमेरिका भी अगर पूरी ताकत लगा के कह रहा है कि इंडिया को हिलाओ और हरियाणा अगर हार गए तो दिल्ली के ऊपर किसान जो है वो कब्जा कर लेंगे। हरियाणा ने कहा किसान दिल्ली नहीं छोड़ेंगे भाई, 1000 साल तक लड़े हैं दिल्ली के लिए तो अब नहीं छोड़ेंगे। बीजेपी जो बिल्कुल बहुत बढ़िया मेजोरिटी के साथ, एक्चुअली पता है क्या होता है कि जब आप किसी का कुछ उखाड़ नहीं सकते ना, ठीक है, तो आप झूठी उम्मीदें पाल लेते हैं कि ये अभी नहीं गिर रहा ना, अब देखिए आ गया ना अब ये गिराएगा, वो भी थप्पड़ खा के बैठ जाता है, फिर अब नहीं दूसरा आया ये गिराएगा, वो भी थप्पड़ खा के बैठ जाता है, फिर तीसरा आया वो गिराएगा, फिर थप्पड़ खा के बैठ जाता है, हर रोज कुछ ना कुछ।
हर रोज कुछ ना कुछ, वो इसलिए क्योंकि नाउम्मीदी है और उनको ये समझ में ही नहीं आ रहा कि भाई अल्टीमेटली मोदी को हराए तो हराए कैसे। ये चीज, और ये चीज सिर्फ इंडिया में नहीं है, आपके पाकिस्तान में भी है, अमेरिका में भी है। अमेरिका में भी रोज शाम को बैठ के प्लान बना लेते हैं मोदी को इस टूल किट से हराएंगे। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि इंडिया जैसा इतना बड़ा कंट्री जिसके अंदर नेशनलिज्म कूट कूट के भर दिया है मोदी ने, उसको तुम टूल किट से तो हरा नहीं सकते। और जो छोटी मोटी कमी ये लोग बताते हैं वो हैंडल कर लेते हैं। आप सोच कर देखिए हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने क्या लालच दिया है, इमेजिन करके देखो। 100 गज का प्लॉट और उसके ऊपर 2 कमरे का मकान बना के कांग्रेस देगी हर हरियाणा के घर। सर ये तो पहले जो इलेक्शंस हुए थे जिसमें मोदी जी आए हैं उस वक्त भी तो इन्होंने कुछ लोगों को कहा था कि पता नहीं कितने पैसे देंगे, जो सब लोग पेपर लेके पहुंच गए थे। 8,500 रुपए दिए थे ना उसमें, 8,500 थे, 8,500। अब हरियाणा वालों का मेंटल लेवल देखो, वो 8,500 रुपए लेके लोगों ने खटाखट खटाखट पैसे दे दिए यूपी के अंदर और बीजेपी को कमजोर कर दिया। हरियाणा वालों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया, इन्होंने तब भी नहीं लिया कि बेटा तुझे भगाएंगे। ये जिद देखो, यहां पर ये फेल हो गए। और जब 8,500 नहीं दिए तो वो 100 गज का प्लॉट क्या हक देते? लालच तो दे दिया ना, मगर लोगों ने देखा होगा ना, हिस्ट्री उठाई होगी तो। अब हिस्ट्री उठाई होगी तो वही ना कि 8,500 नहीं दिए तो तू ये कैसे दे देगा। अब ये कहता है जी मैं तो सरकार में आऊंगा तो दे दूंगा। तो उन्होंने हिसाब लगाया कि पूरे हरियाणा को अगर 100 गज का प्लॉट देके, और हरियाणा में प्रॉपर्टी के रेट्स बहुत ज्यादा है, हद ज्यादा है। आपको अगर मान लिया 1 बीघा या 1 मरले जमीन, 1 कनाल जमीन लेनी पड़ जाएगी तो आपको मतलब यकीन मानो बहुत महंगी है और रेट फिक्स नहीं है। हो सकता है आज आपको वो मान लिया 1 कनाल जमीन है वो 1 करोड़ रुपए की मिल रही हो, कल कहेगा भाई मजा नहीं आ रहा 1.25 करोड़ रुपए देगा तो दूंगा वरना नहीं। और आज उसको आप मतलब स्याही या बयाना दे के आ चुके हो कि ले भाई ठीक है एक पेशगी पकड़ ले 25 लाख रुपए की, और कल आप उसको बाकी पेमेंट दे के आओ तो ये कहेगा नहीं यार मजा नहीं आ रहा, एक काम कर 1.5 करोड़ रुपए है तो अपने 25 लाख रुपए ले जा, मेरे को वैसे भी जरूरत नहीं है। ये ड्रामा चलता है हमारे यहाँ, मतलब नहीं बेचनी, मतलब नहीं बेचनी, बहुत महंगे रेट से। उमर अब्दुल्ला को और उमर अब्दुल्ला जी की पार्टी को बहुत बहुत बधाइयां देना चाहती हूँ, बहुत जबरदस्त, ठीक है, क्योंकि जो भी जीतता है, जीत और हार वो होता है, जैसे हम फेल 1 नंबर से हो जाते हैं तो भी फेल होता है, और कोई टॉप 1 नंबर से करता है तो वो भी टॉप होता है, और उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जबरदस्त। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री ने और गृह मंत्री जी ने लोकतंत्र को और संविधान के दायरे में रह करके कश्मीर में इलेक्शन करवाया, ये बहुत बड़ी बात है। अगर अगर केंद्र की सरकार चाहती तो कह देती कि अभी हम 1 साल 2 साल और नहीं इलेक्शन करवाएंगे, कह सकती थी, लेकिन बियॉन्ड द संविधान जाना, ये आदरणीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ना कभी हुआ है और ना ही कभी होगा, क्योंकि अपने हर ओथ में आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी सर मथे रखते हैं संविधान को, तो संविधान के अंडर बैरिकेड जो भी निर्णय होता है वो जरूर लेते हैं। 370 हटाया गया था जिसका फायदा कश्मीर के लोगों को हुआ, और वो हमने ड्यूरिंग इलेक्शन कैंपेनिंग के वक्त में जो भी चैनल वाले उसको रिकॉर्ड कर रहे थे और जीरो ग्राउंड पर उतरे हुए थे, वो हमें दिखा भी कि कभी 9% भी वोटिंग नहीं होती थी, पर इस बार हैट्रिक हुआ है। हाँ, कि जो जम के वोट पड़ा, हाँ जम के वोटिंग हुई है, और जिन लोगों ने अपने 16, 18 साल, 19 साल की उम्र में वोट किया था वो 70 साल की उम्र में आने के बाद अब फिर से वोट किए हैं, 56 साल की उम्र में आने के बाद वोट किए हैं, और उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया है कि हमारा हमें तो वोट देना ही नहीं, देने के लिए निकलना ही नहीं पड़ता था क्योंकि पहले ही बम गोली चल जाता था, पर इस बार जितने सुकून से वोटिंग हुई है वो बहुत बड़ी बात है। अब मैं आपको बहुत डीप वाली बात बताती हूँ जो सबके लिए जानना बहुत जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता थी कि खाड़ी में उनकी सीट नहीं आएगी, ये बात पता थी भारतीय जनता पार्टी को, ये बात बहुत अच्छे से पता थी कि जहां जहां पर की वजह से कश्मीर में लेट मी कंप्लीट एकदम क्रिस्टल और क्लियर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अपनी हर चीजों को एक्सेप्ट करना बहुत जरूरी होता है। बात आज कश्मीर के इलेक्शन की बन रही है, बिल्कुल
आज सुबह से भारत पे मैंने देखा है, मैं तो आपको पता है मैंने उस पूरे रीजन पर तवज्जो देनी होती है, चाहे कंबोडिया के अंदर चाइना ने अपनी नेवल बेस बना ली है, चाहे वो हो या चाहे कश्मीर का इलेक्शन हो, चाहे हरियाणा का इलेक्शन हो, महाराष्ट्र का इलेक्शन आ रहा है, मैंने तो देखना होता है। उसकी वजह यह है आरजू का मैं, मेरा पैशन है ये सारा कुछ, पॉलिटिकल साइंस पढ़ी है, वकील हूं। उस पे इलेक्शन हुआ वहां पे, वहां फारूक अब्दुल्ला साहब दोबारा फिर प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर बन रहे हैं, अच्छाई की मुझे कोई उम्मीद नहीं है उस जगह से। 29 सीटें उनकी पार्टी ने ली, उनके साथ कोलिजन था दूसरे लोगों का, 46 सीटें, 90 टोटल सीटें 46 चाहिए थी चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, तो उन्होंने 42 सीटें ली हैं, 7 दूसरी सीटें उनकी दूसरी पार्टियों ने ली हैं, इस वक्त वो गवर्नमेंट बनाएंगे। बीजेपी कश्मीर में वो जीते हैं, जम्मू के अंदर बीजेपी जीती है, 29 सीटें उन्होंने ली। जो उन्होंने वहां पे लोगों से वादा किया था रेस्टोरेशन ऑफ आर पॉलिटिकल और लीगल स्टेटस, वो कहते थे इसको हम रिस्टोर कर, हालांकि उसके उनके पास पावर नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है, सेंटर के पास पावर से ज्यादा, अभी गवर्नर ने 5 सीटें भी देनी है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन कश्मीर की कोई अच्छी खबरें नहीं होगी। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कश्मीर के अंदर, बीजेपी के जो सारे फंड सेंटर के आएंगे वो कश्मीर, वो जम्मू तक रुक जाएंगे, जम्मू से आगे नहीं जाएंगे, ये ज्यादती हुई है। लेकिन देखें मेरे ख्याल में बीजेपी वाले स्मार्ट लोग हैं, शायद इस पे तवज्जो देके ताकि फ्यूचर के लिए, तो वो अपने जो है डेवलपमेंट को जारी रखें कश्मीर में, और अगली दफा थिन उनकी मेजोरिटी थी, अगली दफा कैचअप कर जाए। हरियाणा के अंदर जो अफसोस के साथ है कि हमारे केजरीवाल साहब को एक भी सीट नहीं मिली, उनको सीटें ऑफर की जा रही थी कि कोलिजन में आ जाए, सीट एक भी नहीं बिल्कुल मिली। और जाहिर है कि चीजें में से रिदम बनता है, लोगों का माइंडसेट बनता है, इसके बाद दिल्ली में इलेक्शन आएंगे, अगर वहां नहीं है पॉपुलर तो अल्टीमेटली दिल्ली वाले लोग भी 2-3 दफा सोचेंगे। महाराष्ट्र में इलेक्शन है, महाराष्ट्र में इलेक्शन में आगे बीजेपी आएगी, वहां पे उनकी मुझे लग रहा है क्लीन स्वीप करेंगे। लेकिन मुझे भारत की डेमोक्रेसी की एक बात बहुत अच्छी लगी, मैं पहले लोग इसके बारे में कई गलत बातें भी करते हैं, इतराज भी करते हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि वहां की जो सेंटर की गवर्नमेंट है उसके ऊपर एक बड़ा अच्छा चेक एंड बैलेंस रहता है, क्योंकि इलेक्शन हर क्वार्टर में, हर दूसरे महीने तीसरे महीने चल रहे होते हैं, और उनको अपना रिलेशनशिप कॉम के साथ जुड़ के रहना पड़ता है, उनकी मजबूरी और परफॉर्मेंस अपने ठीक रखना पड़ती है, वरना फिर वो अपनी चीजें लूज कर ले। आज सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात थी, जलेबियों का बहुत चर्चा है भारत। मैं अपने दोस्तों से पूछ रहा था भाई जलेबी जलेबी क्या हो रही है यार पूरे इंडिया में, तो उन्होंने कहा जलेबियां बांट दी टाइम से पहले, एग्जिट पोल बता रहे थे कि कांग्रेस जीतेगी तो जलेबियां चल गई, अब वो पप्पू की जलेबी पूरे भारत में इस वक्त मशहूर है और लोग उससे एंजॉय कर रहे हैं। आप बता रही थी कि कांग्रेस का मंसूबा था कि जलेबियों की फैक्ट्रियां, तो पप्पू जी आपको पता है उनको भारत के हालात का इतना अंदाजा